को देखते हुए हर तरफ धार्मिक माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी घात लगाए हुए बैठे हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सामने आया है, जहां घर का दरवाजा तोड़ चोरों ने 45,000 रुपए का माल उड़ा लिया था। इसकी शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही नंदनवन पुलिस स्टेशन ने आरोपी शेख सोहेल उर्फ बिट्टू शेख फारूक 19 वर्ष बड़ा ताजबाग निवासी को धर दबोचा। आरोपी शेख सोहेल उर्फ बिट्टू शेख फारूक 19 वर्षीय बड़ा ताजबाग निवासी को नंदनवन पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी के पास से पुलिस ने HP कंपनी का पुराना लैपटॉप, एक्टिवा गाड़ी MH495-1690, घर का दरवाजा तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली लोहे की रॉड सहित कुल 45,000 का माल जब्त किया है। जून महिन्यामध्ये नसीबुर्ष नगर मध्ये राहणाऱ्या महिला फिर्यादी यांच्या घरी त्या भंडाऱ्याला बाहेर गावी गेल्या असताना त्यांच्या घराचा ताला तोडून त्यांच्या घरातून लॅपटॉप आणि इतर साहित्य चोरीला झाले होते। सदर गुन्ह्याचा तपास SC सिद्धार्थ DP पाटील करत असताना त्यांना गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की ताजबाग येथील आझाद कॉलनीतील राहणारा शेख सोहेल उर्फ बिट्टू शेख फारूक याने सदरची घरफोडी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे। त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे सखोल तपास केला असता त्याच्याकडून सदर गुन्ह्यात चोरीस गेलेले दोन्ही लॅपटॉप, त्याच्याकडे गुन्ह्यात वापरलेली ॲक्टिवा गाडी आणि घरफोडी करण्याचा हत्यार असा एकूण 65,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। यातील आरोपी शेख सोहेल उर्फ बिट्टू हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे। गौरतलब रहे कि घटना के दिन फिर्यादी अपने घर के दरवाजा बंद कर अपने मायके पांचपावली गई हुई थी और इसी का फायदा चोरों ने उठाया। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।